एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बच्चे के साथ जो है डेली रूटीन क्या होना चाहिए, यानी कि उसके मसाज और उसके नहलाने से रिलेटेड हमारा टॉपिक है आज। तो हम स्टार्ट करेंगे मसाज से। तो मसाज के लिए जो टाइमिंग होनी चाहिए दिन की, वो होनी चाहिए 11 से 1 बजे के बीच में। और जो सामान आपको उसके लिए चाहिए होगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है ये प्लास्टिक शीट। ये इजीली अवेलेबल होती है हर जगह पे, और ये बड़ी शीट है अच्छी खासी, के बच्चा आराम से इस पर लेट सकता है और कहीं भी ऑयल इधर उधर नहीं लगेगा, सब कुछ जो होगा शीट पे होगा। फिर इसके अलावा जो बाकी सामान है वो है इस बास्केट में। एक चीज़ है ये ऑलिव ऑयल, ये बहुत अच्छा होता है बच्चे की मसाज के लिए। और अगर कुछ लोग प्रेफर नहीं करते ऑलिव ऑयल को यूज़ करना, तो वो यूज़ कर सकते हैं ये बेबी ऑयल, तो ये जॉनसन्स का है और ये भी बहुत अच्छा होता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। खैर, आप ऑयल कोई सा भी यूज़ करें, बॉटल से यूज़ करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह का कोई कंटेनर ले लें और उसको आप यूज़ करें। इसके अंदर ऑयल आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, तो आप गर्म ऑयल डालें इसमें और बच्चे की मसाज करें ईज़ली। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये अल्कोहलिक स्वैप्स। ये इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जैसे बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं 1-2 हफ्ते के, तो आपको सब उनके अम्बिकल कॉर्ड साफ़ करनी होती है, उनकी नाभ साफ़ करनी होती है इन इजी वर्ड्स। तो उसके लिए स्वैप्स जो है वो चाहिए होते हैं। बच्चों की नाभ का उस टाइम पे बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस वक्त। दूसरी चीज़ है ये तौलिए। ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जब आप बच्चे को मसाज कर लेंगे, तो आपको चाहिए कि इससे हल्का सा बच्चे का जो ऑयल है वो जस्प कर लें, क्योंकि आप अगर मसाज के बाद फौरन बच्चे को यूं उठाएंगे नहलाने के लिए लेके जाएंगे, जब भी आप लेके जाएंगे, तो बच्चा थोड़ा स्लिपरी होता है। वो बेचारे होते इतने छोटे से हैं, तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। जो दूसरी चीज़ है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है आप अपने बेबी को किस तरह नहलाएंगे और उसके लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए टॉवल, तो ये होना चाहिए आपको वैसे चाहिए कि जब आप बच्चे को मालिश और नहलाने का सोच रहे हो, तब आपने पहले से सारी चीज़ें अरेंज की हुई हों, वरना आपको बच्चा वहाँ बैठा होगा और आपको बैठा थोड़ी सॉरी बच्चा वहाँ लेटा हुआ होगा और आपको इधर उधर चीज़ों के लिए भागना पड़ेगा, तो वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो पहले तो आपके पास ये तौलिया होना चाहिए और बच्चे के कपड़े जो आपने पहनाने हैं वो पहले से आपके पास हाथ में होने चाहिए, ताकि आपको इधर उधर चीज़ों के लिए ना जाना पड़े। ये तौलिया बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है कि आराम से पूरा बच्चा इसमें जो है वो लपेट सकते हैं आप, और इसके अंदर ये हुड भी है। और कपड़ा कोशिश करें जो है वो कॉटन टाइप का ही हो, ताकि इजीली आप बच्चे को उससे सुखा सकें। दूसरी चीज़ होती है जी, ये कपड़े आपने अरेंज किए हुए हैं, ये एक जैसे रोम्पर है यहाँ मेरे पास, तो आपने ये अरेंज किया हुआ है और आप इसमें फिर बच्चे को पहनाने के बाद नहलाने के बाद पहना सकते हैं। ठीक, उसके बाद जी बात आती है कि नहलाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो हमारे पास पहली चीज़ है यहाँ पे ये बेबी वॉश, बेबी शावर जेल कह लें आप इसको। ये है, एक है यहाँ मेरे पास पिजन का, एक है मेरे पास जॉनसन्स का। मैं ऑल्टरनेटिवली दोनों यूज़ करती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जी, जब आप बच्चे को नहला चुके हों, तो आप उसको आराम से सही से लपेट के तौलिए में रूम में लाएं। उसके बाद आप उसको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। ये बेबी लोशन है और वो बेबी क्रीम है, दोनों बहुत अच्छी हैं जॉनसन्स की, तो वैसे मैं इस वाली को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो आप जो इस्तेमाल करना चाहें आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको चाहिए बेबी पाउडर, बच्चे के पास से खुशबू भी आनी चाहिए, मैले मैले बच्चे नहीं लगने चाहिए। तो ये रहा जी जॉनसन्स का एक ये बेबी पाउडर है और एक ये बेबी पाउडर है। पर्सनली तो मैं यूज़ करती हूँ वो ये नहीं है, वो है तिब्बत का। खैर, अक्सर लोग बोलेंगे कि जॉनसन्स का रखा हुआ है आपने, लेकिन आप तिब्बत का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या करूँ जी, मजबूरी है, इसलिए क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, याद दिलाती है, याद दिलाती है। खैर, काफ़ी ड्रामेटिक हो गया ये। इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसको फिर, या किसी भी पाउडर को, फ़र्ज़ करें आप जॉनसन्स का यूज़ कर रहे हैं, ये भी अच्छा होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फिर किसी कंटेनर में रख सकते हैं जिसके अंदर उसका फिर पफ भी हो, तो अच्छा लगता है, थोड़े से शशके हो जाते हैं, लेकिन चीज़ आपको इस्तेमाल करने में आसान हो रही है, तो फिर क्या मसला है।
खैर एक चीज़ और, नहलाते हुए आपके पास अगर ये नैपकिन्स हो इस तरह के, ये छोटे से जो है बेबी नैपकिन या टावल होते हैं, तो ये अच्छे होते हैं कि इससे आराम से आप बच्चे को अगर आपने एक दिन नहलाना है एक दिन स्पंज करना है तो आप ये स्पंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। फिर यहाँ पे हमारे पास है ये शॉपर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये शॉपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने जो बच्चे का पहले डायपर उतारा होगा उसको इसमें डालें और डिस्पोज ऑफ करें, इधर उधर ना फेंकिए प्लीज़। फिर आप ये दूसरा डायपर उसको पहनाएं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है वाइप्स की उसको साफ़ करने की दोबारा, उसने अगर कुछ कर दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चे कर देते हैं, तो आप इससे साफ़ कर लें। उसके बाद जब आप बच्चे को कपड़े पहना चुके हैं, लेकिन पहनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी बच्चे को अगर डायपर रैश हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये जॉनसन्स की पेट्रोलियम जेली होती है, तो ये बहुत अच्छी है ये डायपर रैश को प्रिवेंट करने के लिए। वैसे तो रैश क्रीम्स भी होती हैं, जैसे कि ये है एक और जॉनसन्स की, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये स्किन पे स्टिक हो जाती है, तो पर्सनली मुझे ये वाली इतनी नहीं पसंद, ये जॉनसन्स की ज़्यादा बेहतर है पेट्रोलियम जेली, वो भी अनसेंटेड, सेंसिटिव स्किन के लिए इट इज़ गुड। जब आप बच्चे को तैयार कर चुके हों, सब कुछ कर लें, तो जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी सुरमा, तो आप लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं लगाएं तब भी आपकी मर्ज़ी है। हम उसके बाद बच्चे को सुरमा अप्लाई करते हैं। फिर मेरे पास तरह तरह के मतलब कोम्ब और ब्रशेस रखे हुए हैं, जैसे ये है, आप बच्चे के बाल बनाएं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बाल, जिस तरह भी आप चाहें, ब्रश से या उससे। उसके बाद जब सब कुछ हो चुका और बच्चा थोड़ा सा नींद में जाने वाला हो, तो ये है, आप उसके नेल्स को क्लिप करें थोड़ा सा, ये अच्छा रहता है, वरना बच्चे अपने मुंह पे नाखून बहुत मारते हैं, सिर्फ अपने नहीं आपके भी मुंह पे नाखून बहुत मारते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। बच्चे को आप साफ़ सुथरा रखें, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद आप अपनी जगह को भी साफ़ सुथरा रखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ यूज़ कर लिया, तो सब कुछ जाना चाहिए वापस अपनी जगह पे सही से, और चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी तो आपको अगली बार ज़्यादा आसानी होगी इस तरह से चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो वी होप कि आपको हमारा एपिसोड आज का अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वी होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।